हाय गाइस, आज ना मैं फाइनली टिम हॉर्टन्स ट्राई करने वाला हूँ। वैसे एक सच बात बताऊं, मुझे कुछ समय पहले तक पता भी नहीं था कि टिम हॉर्टन्स है क्या। वो तो मुझे याद है, मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ऑन दैट स्टारबक्स की स्टूपिड चाय, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार टिम हॉर्टन्स ट्राई करो। फिर तुम्हारे भाई ने गूगल किया एंड आई रियलाइज कि भाई ये एक कैनेडियन कॉफी शॉप है जो कि भाई अब दिल्ली में भी खुल गई है, तो इस बात की हाइप है। और फिर जब मैंने इनका मेन्यू देखा ना, देन आई रियलाइज इट्स जस्ट अनदर वर्जन ऑफ स्टारबक्स। मतलब कि यार ओवर प्राइस्ड कॉफी एंड थोड़ी थोड़ी शोबाजी, मुझे तो यही लगा। वैसे आपको नहीं लगता इस वीडियो के लिए मुझे अपनी ये रेड वाली टोपी और एक रेड शर्ट पहननी चाहिए थी? खैर छोड़ो, आज की वीडियो का सीन ये है कि मैं टिम हॉर्टन्स एंड स्टारबक्स जाऊंगा एंड आई एम गोना स्पेंड 1000 rupees इन ईच आउटलेट। लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी थिंग्स आई गेट। एंड मैं दोनों आउटलेट में से एक कॉफी लूंगा, वन सेवरी डिश एंड अ डेजर्ट। ठीक है ना? फेयर इनफ। वो क्या बारिश हो रही है यार। चेक दिस आउट भाई, दिस इज जावा चिप आइस्ड कैपेचिनो फ्रॉम टिम हॉर्टन्स। रेड कलर के इन्होंने मुझे मस्त वाले कप में दिए, पूरी कनाडा वाइब्स है ना। और साथ में भाई मैं खाना भी लेके आया हूँ, बारिश बहुत तेज आ रही है बाहर, सो अब इसको रखूंगा मैं साइड में एंड आई एम गोना शॉपिंग थोड़ी थोड़ी स्टारबक्स से, और फिर घर जाके फिर खाएंगे, मतलब इसको पियेंगे। मतलब ये ऊपर मस्त वाली विप क्रीम है, पहले उसको खाएंगे फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं भाई। देवियों और सज्जनों, द फूड इज फाइनली हेयर। और यार खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, ये टिम हॉर्टन वालों ने भाई पूरे 1000 रुपए खर्च नहीं करवाए हैं, बट स्टारबक्स वाले भाई 1200 रुपए ले गए। खैर जब मैं टिम हॉर्टन्स गया था ना, तो टिम हॉर्टन्स में भाई पता नहीं क्यों लाइन लगी हुई थी, स्टारबक्स भरा हुआ था एज यूजुअल। और पता है क्या, टिम हॉर्टन्स में ना खाने की यार वैरायटीज बहुत सारी हैं, बेगल, स्लाइडर्स, पास्ता वगैरह, यार इनके पास सब कुछ था। और मोटा मोटा देखा जाए ना, तो टिम हॉर्टन्स स्टारबक्स से मुझे सस्ता पड़ा। स्टारबक्स वालों ने 1200 रुपए लगवाए मेरे और सिर्फ 3 चीजें आई हैं, टिम हॉर्टन्स वालों ने 950 रुपए लगवाए मेरे और मेरे पास 4 चीजें आई हैं। भाई देखो एक्सपेंसिव तो दोनों ही है, बट चलो ठीक है। तो स्टारबक्स से शुरू करें या टिम हॉर्टन्स? टिम हॉर्टन्स से शुरू करते हैं बिकॉज उसकी हाइप बहुत ज्यादा है। सो ड्रिंक्स में ना मैंने टिम हॉर्टन्स से लिया है जावा चिप आइस कैप। भाई देखो मैं पता है आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं बस जाने से पहले गूगल पे गया था, मैंने देखा भाई मोस्ट पॉपुलर आइटम्स ऑफ टिम हॉर्टन्स, और वहाँ पे यार मैंने इनकी ये वाली ड्रिंक देखी, तो मैं बस वहाँ पे गया, मैंने जल्दी से ऑर्डर की एंड मेरे पास जल्दी से आ भी गई। तो ये अभी थोड़ी सी सैड सैड हो गई है ड्रिंक हमारी, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत सारी इन्होंने विप क्रीम डाली हुई थी, चॉको चिप थी और चॉकलेट सिरप थी, बट घर आते आते थोड़ा भाई साहब यार आई थिंक दिस इज पता नहीं, दूध के अंदर बहुत सारी इन्होंने चॉकलेट सिरप डाली है एंड बहुत सारी शुगर डाली है, लाइक बहुत सारी शुगर। दिस इज 4 rupees 275 विदाउट टैक्स। ऑफेंड मत होना, बट अगर इसका मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना हो, मुझे मजा नहीं आया यार। आई मीन इट इज वेरी वेरी बहुत ज्यादा मीठी है मेरे लिए। हाँ तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक्चुअली मैंने भी ना टिम हॉर्टन्स में 3 ही चीजें ऑर्डर की थी। एक तो मैंने इनका एक सैंडविच ऑर्डर किया था, एक मैंने इनके वो टिम्बिट्स होते हैं वो ऑर्डर किए थे, और ये भाई हमारी दूध के अंदर चीनी वाली ड्रिंक ऑर्डर की थी। तो जब उन्होंने मुझे बिल बताया तो बिल वॉज लाइक 700 something। आई वॉज लाइक नो भैया, एक चीज़ और डालो इसमें, पूरे 1000 करो, मैं पैसा बहुत है आज। तो इसलिए ना मैं एक चीज़ और लाया हूँ विच इज कॉल्ड स्लाइडर्स। वेट ओके, ये सैंडविच है, स्लाइडर्स खाएंगे मेरे। दीज आर दी चिकन स्लाइडर्स। तो इसके अंदर ना इन्होंने जितना मुझे समझ आ रहा है कोई मेयो डाली है और कच्चे अनियंस हैं, और क्योंकि ये चिकन स्लाइडर है तो इसलिए चिकन की पैटी है जो कि इन्होंने ग्रिल करके डाली है, और ये ठंडे हो चुके हैं, और ये 3 इन्होंने मुझे दिए हैं विच इज 4 rupees 174। छोटे छोटे बर्गर है भाई, मैं थक गया चबा चबा के इसको, बहुत टाइट है। आई कैन ओनली टेस्ट चिकन एंड ब्रेड भाई, मतलब ऑफकोर्स इसके अंदर है ये तो इसलिए टेस्ट भी यही आ रहा है। यार इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग डालते, थोड़ा इंडियन शशका देते तो मज़ा आ जाता ना, तो थोड़ा मुझे लग रहा है नंबर वहाँ कम रहेगा इसके। बट पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा चुई था, लाइक मुझे रबड़ की तरह इसको खाना पड़ा था। एक्चुअली ना इनका शायद एक सिग्नेचर मेन्यू है, उसके अंदर चिकन सैंडविच था एक,
तो वो मैंने ऑर्डर किया, वो उनके पास था नहीं, तो मैंने बोला यार और क्या खिलाओगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारा मशरूम सैंडविच ले लीजिए। तो ये इन्होंने मुझे भाई मशरूम सैंडविच दिया है और इसके अंदर बिट्स एंड पीसेस हैं मशरूम के और चीज़ है और ब्रेड है और इसको ग्रिल करके हमारे सामने प्रकट कर दिया गया है। और अब मैं इसकी बाइट लेने वाला हूँ और अभी फिर बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज फाइन भाई, बहुत सारा चीज जा रहा है इन्होंने, चीज एंड मशरूम वो स्मूथ ब्लेंड वैसा फ्लेवर है। और भाई ब्रेड के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा बटर डाला है ना, ब्रेड इज लाइक येलो हो चुकी है। तो आई कैन टेस्ट सो मच बटर एंड चीज एंड वेरी वेरी कम अमाउंट में मशरूम्स, क्योंकि सारा टेस्ट तो भाई मुझे बटर और चीज का आ रहा है। भाई आई कैन बिलीव इट, मैंने इसके लिए 310 रुपये दिए हैं, मतलब सिर्फ अगर मुझे एक पीस की बात करनी हो तो 165 रुपीज फॉर वन पीस। शिट मैन। एनीवे भाई दीज आर दी टिम्बिट्स। भाई टिम्बिट्स का ना क्या सीन है, आप ना बैग ऑफ फोर करवा सकते हो, बैग मतलब चार से भी ज़्यादा, लाइक यू कैन टेक इट इन अ कॉम्बो। तो इनके पास चार ही वेरिएशन अवेलेबल थे, मैंने कहा वो चार ही मुझे दे दीजिए। सो टिम्बिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो यार इनका सीन ये, दीज आर बेसिकली छोटे छोटे डोनट्स। यार ये थोड़ा मुझे बढ़िया सा लग रहा है, तो आई एम गोना ट्राई दिस। ओके चलो, अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जो है बाहर है। दीज आर डोनट्स, बस डोनट्स की तरह ये दिखते नहीं है, बट दीज आर डोनट्स। ओह नाइस भाई, ये मैंने पता नहीं ऐसी इसको इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया और इसके अंदर भाई चॉकलेट की फीलिंग है। सीरियसली भाई टिम्बिट्स इनके अच्छे हैं। अब टिम हॉर्टन्स को साइड में रख के स्टारबक्स में आए। सो स्टारबक्स में जो मेरे को तीन चीजें 1200 रुपए में मिली हैं, दे आर मोका कुकी क्रम्बल फ्रैपेचिनो चिकन सैलेड सैंडविच स्ट्रॉबेरी एंड आमंड केक। यार ये थोड़ा यूनिक है, मतलब वहां पे चॉकलेट वाले केक भी था, तो मैंने कहा यार आज चॉकलेट और वो नॉर्मल चीज केक नहीं खाते, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। बट ये नया वाला थोड़ा बाद में ट्राई करेंगे, बिकॉज मुझे ना इसकी स्टोरी बतानी है आपको। स्टारबक्स जाने से पहले ना मैंने पहले गूगल से पूछ लिया था कि भाई स्टारबक्स की पॉपुलर ड्रिंक है क्या, तो मुझे गूगल ने बताया था कि कोई जावा चिप फ्रैपेचिनो होती है, वो इनकी मतलब हिट वाली ड्रिंक है। तो मैंने सोचा यार वही जाके ऑर्डर कर दूंगा, क्या मेन्यू बार बार देखना। तो जब मैं वहां पे गया ना, कैशियर भैया खड़े थे मास्क पहन के, ठीक है। मैंने कहा आई वॉन्ट टू ऑर्डर वन जावा चिप, वो बोलते यू वोंट गेट एनी फ्लेवर्स इन जावा चिप। और नहीं, उन्होंने बोला था कि जावा चिप में ना सर ये वाला फ्लेवर नहीं आएगा, बट यू विल गेट एडिशनल फ्लेवर अगर आप ये मोका कुकी क्रम्बल कर लेते हैं। सो इसके अंदर आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। यार वो अंग्रेजी इतनी ज्यादा बोल गए, मेरे पीछे दो तीन लड़कियां खड़ी थी, मैं प्रेशर में आ गया यार। और मैंने कहा भैया जो है दे दो यार, मेरे को बस लाइन से हटा दो आप। तो 425 रुपए की ड्रिंक है और मैंने अब तक एक सिप भी नहीं लिया है इसमें से, और ये अब इतनी ही मिली है मुझे, और ये यहां तक थी। अच्छा नहीं, ठीक है, बुरी नहीं है, बट 425 लाइक नहीं है भाई ये। मैं 50 रुपए से ऊपर नहीं देने वाला इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर से कॉफी का फ्लेवर आ रहा है, चॉको चिप्स इन्होंने इसके अंदर डाली हुई थी, और इसके अंदर ना ऊपर तक विप क्रीम भी थी, एंड वो विप क्रीम मुझे पता था घर आते आते तक वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले ही विप क्रीम का वो शॉट लेके रख लिया था। तो बस विप क्रीम मिली मुझे, और भाई देख लो मैंने अपना चैनल का नाम CC लिखवा दिया, मतलब इनिशियल्स है। तो भाई वैसे एक बात बताऊं, स्टारबक्स के अगर आप टेक अवे लो ना और इसमें ऐसे पीते हुए घूमो तो शशका तो है, मतलब जरूरी नहीं है इसके अंदर आप कॉफी डालो, आप इसके अंदर पानी भी डाल के घूम लो और पीते रहो, तो मार्केट में थोड़ा लगता है भाई स्वैगर है हम मतलब मैं तो नहीं करता ये सब, बट पता नहीं क्यों इट फील्स लाइक दैट। एनीवे भाई साथ में मैंने लिए हैं ये 325 रुपए के हैं शायद, मैं तुम्हें ढंग से रेट देख के बता दूंगा। ये है सैलेड वाला चिकन सैंडविच, ये भाई ये 300 से ऊपर रुपए के ये सैंडविच है। भाई साहब आई प्रॉमिस यू, पक्का वाला प्रॉमिस यू, इससे ज्यादा बढ़िया सैंडविच मैंने नहीं खाया। नो आई एम बीइंग सीरियस राइट नाउ भाई, इसके अंदर सिर्फ मुझे चिकन और ब्रेड का फ्लेवर आ रहा है, सिर्फ चिकन का फ्लेवर आ रहा है ज्यादा, और चिकन भी ऐसा लग रहा है इट्स वेरी ओल्ड यार, मतलब वो बासी चिकन का गंदा फ्लेवर होता है ना यार, वो आ रहा है इसमें से। सैलेड नाम की इसमें से कोई चीज नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर कोई व्हाइट मेयो है, मुझे नहीं पता क्या है, या चीज वगैरह है,
So there is no freaking salad. There is only chicken and there is only chu banaya gaya mera. ये लिखवा के लाया हूँ ना मैं अपने उस पर, ये cravings and calories नहीं लिखवाया मैंने, इसका मतलब है चमन भाई. ये है लास्ट आइटम, ये भी 300 रुपये से ऊपर का ही है. दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉबेरी एंड आमंड केक. और भाई ये तो अच्छा होना चाहिए यार, दिखने में अच्छा लग रहा है यार, खाने में नाइस. ये लेयर देख रहे हो ना, दिस इज एक्चुअली चीज की लेयर. दिस इज गुड. बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज ज्यादा मीठा नहीं है. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, द कंपेरिजन वीडियो ऑफ बोथ दीज टू ब्रांड्स. सच सच बताऊं भाई, मुझे नहीं लगता ना मैं कभी टिम हॉर्टन्स जाने वाला हूँ, ना मैं स्टारबक्स जाने वाला हूँ, अंटिल अनलेस मुझे कोई वीडियो बनानी हो. बस भाई मेरे को नॉर्मल कॉफ़ी बरिस्ता की पसंद है, तो मैं तो भाई वहीं जाके पी लूँगा कॉफ़ी. वहाँ पे भी उनकी कॉफ़ी मुझे वैसे बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, बट एनीवे बरिस्ता तक ठीक है भाई. ये कुछ ज़्यादा ही महंगी है, 400 रुपये तो नहीं भाई, नहीं रॉन्ग. ये 275 भी भाई नॉट जस्टिफाइड. तो मेरा ये रिव्यू था एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ नॉट मुझे बता देना यार क्यों नहीं पसंद आई, तो ठीक है मैं कोशिश करूंगा सुधरने की अगली बार, ठीक है. और यार आप मुझे बताओ, आपने टिम हॉर्टन्स जाके, क्योंकि चले तो गए होंगे तुम, ठीक है मैंने देख लिया भाई लाइनें लगी हुई हैं, सब जा चुके होंगे अब तक, तो तुमने कौन सी ड्रिंक ऑर्डर की और तुम्हें कैसी लगी, मुझे जानना है, मुझे सच में जानना है. ठीक है मैं मिलूंगा तुमसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग.